वर्चुअल मेमोरी, इसे लेकर कई तरह के डाउट्स लोगों के मन में होते हैं। कुछ लोग वर्चुअल मेमोरी को रैम का ही पार्ट समझते हैं, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि वो वर्चुअल मेमोरी कहीं जा करके परचेज कर सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ज्यादा वर्चुअल मेमोरी होने पर हमारे कंप्यूटर का स्पीड ज्यादा बढ़ जाएगा। और भी कई तरह के डाउट्स लोगों के मन में होते हैं। आज आप इस वीडियो को पूरा देखिए और यहाँ पर मैं आपको वर्चुअल मेमोरी के बारे में सब कुछ बताऊंगा, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली, हर तरह से, कि वर्चुअल मेमोरी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मेमोरी को कैसे मैनेज करता है, आप अपनी तरफ से वर्चुअल मेमोरी को कैसे मैनेज कर सकते हैं और वर्चुअल मेमोरी के फायदे और नुकसान क्या क्या हैं। वर्चुअल मेमोरी के बारे में बात करने से पहले आपको एक चीज मैं याद दिला दूं, जो कि अगर आप आईटी सिंप्लीफाइड इन हिंदी के रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको पता भी होगा कि कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल जब डिस्क पर मौजूद होता है तो वो इनर्ट स्टेट में होता है, डोरमेंट स्टेट में होता है। लेकिन जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करते हैं या किसी और तरीके से उसे एग्जीक्यूट कराते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले उस एग्जीक्यूटेबल कोड को मेमोरी में ले जा करके उसे प्रोसेस बना देता है। कंप्यूटर सिस्टम पर एग्जीक्यूट करने के लिए हर एक प्रोसेस को मेमोरी में होना जरूरी है। मेमोरी यानी कि रैम, क्योंकि सीपीयू मेमोरी से ही किसी भी प्रोसेस को पिक करता है और एग्जीक्यूट करता है, वो डिस्क से पिक और एग्जीक्यूट नहीं करता। फिर आईटी सिंप्लीफाइड इन हिंदी पर एक पुराने वीडियो में मैंने बतलाया था कि कैसे आपका सिर्फ 2 GB का रैम बड़े बड़े कई सारे प्रोसेसेस को अपने अंदर एकोमोडेट करता है और एग्जीक्यूट करता है। ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बतलाया था, लेकिन यहाँ पर कंप्लीटनेस के लिए आइए एक बार उस कॉन्सेप्ट को मैं फिर से दोहरा दूं। यहाँ पर किया यह जाता है कि रैम को बहुत सारे सब पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है और हर एक सब पार्ट को हम लोग फ्रेम कहते हैं। फिर जो प्रोसेस है उन्हें भी कई सारे सब पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है और उन सब पार्ट्स को हम लोग पेजेस कहते हैं। फ्रेम्स के साइज और पेजेस के साइज आपस में बराबर होते हैं। किसी भी प्रोसेस को सबसे पहले डिस्क पर रखा जाता है, जी हाँ, आपके हार्ड डिस्क पर, सीधे इसे रैम में लेकर के नहीं जाया जाता है। सबसे पहले ये प्रोसेस कहाँ होता है? आपके हार्ड डिस्क पर होता है। हार्ड डिस्क पर एक स्पेशल फाइल होता है, उसी फाइल में सारे प्रोसेसेज सबसे पहले रखे जाते हैं। वो स्पेशल फाइल कौन सा है हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले कोई भी प्रोसेस क्रिएट होता है तो वो डिस्क पर ही उसे रखा जाता है। और फिर किसी भी प्रोसेस के जिन पेजेस की जरूरत होती है उन पेजेस को फ्रेम्स में रख दिया जाता है। तो इस तरह से हमारे पास तो सिर्फ 2 GB का रैम है, लेकिन यहाँ पर ये प्रोसेस ये समझ के बनाया गया है कि ये 4 GB के रैम में जाएगा। तो पूरा का पूरा ये प्रोसेस हम लोग तो रैम में ऐड नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। इसी वजह से इस प्रोसेस के जिन पेजेस की जरूरत है उसे फ्रेम में ले जा करके रख दो और जिन पेजेस की जरूरत नहीं है उसे फ्रेम में मत रखो। यहाँ पर इस चित्र में मैं सिर्फ एक ही प्रोसेस दिखला रहा हूँ, लेकिन अगर आपके डिस्क पर कई सारे प्रोसेसेज हों तब भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्रोसेस के जिस पेज की जरूरत है उसी पेज को रैम के फ्रेम में रखा जाएगा। पूरे प्रोसेस को हम रैम में नहीं रखने वाले, जिस पेज की जरूरत है उसी पेज को हम रैम में रखने वाले हैं। और फिर एग्जीक्यूशन के दौरान अगर किसी और पेज की जरूरत पड़ती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस पेज को भी डिस्क से रैम में ऐड करता है, किसी फ्रेम में ले जाकर के स्टोर कर देता है। तो दर्जनों प्रोसेसेस के कई सारे पेजेज अलग अलग फ्रेम्स में स्टोर होते हैं और जब जिस पेज का जरूरत पड़ता है उसे डिस्क से ला करके रैम में स्टोर कर दिया जाता है। डिस्क के ऊपर एक स्पेशल फाइल होता है जिसे कि हम लोग पेज फाइल कहते हैं और सारे प्रोसेसेज के अलग अलग पेजेज उसी पेज फाइल में स्टोर होते हैं। आपके कंप्यूटर में भी ये पेज फाइल होता है, मैं आपको दिखलाऊंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन पहले थ्योरेटिकली वर्चुअल मेमोरी को थोड़ी और अच्छे तरीके से समझ लें। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था वो बात ऐसा था कि हमारे पास रैम सिर्फ 2 GB का था और हम ये मान के चल रहे थे कि हमारा कोई भी प्रोसेस 4 GB का है, लेकिन प्रोसेस का एक्चुअल साइज 4 GB का नहीं होता। किसी भी प्रोसेस में बहुत कम ही पेजेस होते हैं जो कि कुछ MB में भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपके रैम का साइज 16 GB है और जितने भी प्रोसेसेज आपके कंप्यूटर में हैं उनके सारे पेजेस के साइज को भी मिला दिया जाए फिर भी वो 8 GB में ही आ जाएंगे। तो फिर अपने प्रोसेसेज के अलग अलग पेजेस को डिस्क पर रखने की जरूरत ही क्या है? क्यों ना हम अपने सारे पेजेस को रैम में ही रख लें, क्योंकि हमारे पास जब रैम में जगह है तो डिस्क पर क्यों रखें? आखिर डिस्क एक्सेस करने में टाइम तो ज्यादा लगता है ना, रैम एक्सेस तो आराम से हो जाता है लेकिन डिस्क एक्सेस करने में ज्यादा टाइम लगता है।
हाँ, अगर रैम में पूरी तरह से जगह नहीं है तो ठीक है, आपने उसे डिस्क पर रखा है, डिस्क पर एक पेज फाइल है, उस पेज फाइल में आपने उसे रखा है। लेकिन जब रैम में जगह है तो पेज फाइल पर रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली डिस्क से रैम में ऐड करना कोई समझदारी की बात नहीं है। देखिए, पुराने समय में विंडो क्या करता था कि कोई भी अगर प्रोग्राम है आपके कंप्यूटर में चल रहा है और बहुत देर से उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है तो उसे रैम से हटा देता था और ले जा करके डिस्क के ऊपर पेज फाइल में सेव कर देता था। कोई भी पेज अगर बहुत देर से इस्तेमाल नहीं हुआ है तो उसे ले जा करके वापस से पेज फाइल में सेव कर देता था, और जब भी उसका इस्तेमाल होना होता था तो वापस से उस पेज फाइल को रैम में किसी फ्रेम में रखा जाता था। भले ही रैम में बाकी सारे फ्रेम्स खाली पड़े हुए हैं, लेकिन अगर किसी पेज का इस्तेमाल बहुत देर से नहीं हुआ है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे ले जा करके डिस्क में रख देता था वापस से। तो ये काफी खराब डिजाइन था, और मैं इस बात के लिए श्योर नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल जो विंडोज 10 का नया अपडेट आया है उसमें विंडोज सिर्फ इसलिए किसी पेज को डिस्क पर नहीं रखता क्योंकि उसका इस्तेमाल बहुत देर से नहीं हुआ है, सिर्फ इसलिए किसी पेज को डिस्क पर वापस नहीं रखता। हाँ, अगर किसी पेज का इस्तेमाल बहुत देर से नहीं हुआ है और दूसरे पेज की जरूरत है तो उस समय जिस पेज का इस्तेमाल बहुत देर से नहीं हुआ है उसे हटा दिया जाता है, और जिसका इस्तेमाल होना है उसे वापस से ला करके फ्रेम में रख दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे फ्रेम्स खाली हो और फिर भी किसी इनएक्टिव पेज को हटाया जा रहा हो, मैं इस बात पर श्योर नहीं हूँ, लेकिन विंडोज के लेटेस्ट अपडेट में मुझे लगता है कि इस फीचर को इंक्लूड कर दिया गया है। तो अगर आप मेरी बात को समझ रहे होंगे तो आप ये जान गए होंगे कि डिस्क पर जो पेज फाइल होता है उसी को वर्चुअल रैम कहा जाता है। प्रोसेस के वो पेजेस जिनका कि इस्तेमाल बहुत देर से नहीं हुआ है रैम में, उसे वर्चुअल रैम पर रखा जाता है, मतलब डिस्क में रखा जाता है, और प्रोसेस के वो पेजेस जो कि अभी करेंटली इस्तेमाल हो रहे हैं उन्हें रैम के फ्रेम्स में रखा जाता है। तो वर्चुअल रैम यानी कि वर्चुअल मेमोरी आपके लिए यूजफुल तभी है जब आपके पास रैम कम अमाउंट में है, लेकिन अगर आपके पास रैम ज्यादा अमाउंट में है और आप अपने रैम का पूरा इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में वर्चुअल रैम यानी कि वर्चुअल मेमोरी आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि रैम में जगह होते हुए भी आप क्यों किसी प्रोसेस के पेज को डिस्क पर स्टोर करेंगे? क्यों? रैम में जगह है ही तो आपने उसके लिए पे किया है। लेकिन जब भी आप विंडोज या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अपने मशीन में इंस्टॉल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट विंडोज में या फिर लाइनक्स में जो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है वो इनेबल्ड होता है। वजह यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाले को पता नहीं है कि आप किस तरह के मशीन में उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने वाले हैं, तो ये मान करके चलता है कि चलो अगर आपके पास कम रैम भी हुआ तो आप अपने वर्चुअल रैम का यानी कि वर्चुअल मेमोरी का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसीलिए किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट वर्चुअल मेमोरी को इनेबल करके रखा जाता है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वर्चुअल मेमोरी की जरूरत नहीं है, आपके पास 64 GB रैम है और उसमें से आप 16 GB भी यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो ठीक है, आप वर्चुअल मेमोरी को डिसेबल भी कर सकते हैं। और फिर से मैं बता दूं कि डिस्क कोई रैम नहीं है, डिस्क से पेज को एक्सेस करने में उतना ही टाइम लगता है जितना कि डिस्क को एक्सेस करने में टाइम लगता है, और वो पेज सबसे पहले रैम में स्टोर होता है, किसी फ्रेम में स्टोर होता है, और यहाँ से फिर वो सीपीयू के पास जाता है। तो अगर आपके पास रैम है तो किसी भी प्रोसेस को डिस्क में स्टोर करना बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं है। आइए अब प्रैक्टिकली समझते हैं कि विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे वर्चुअल मेमोरी को मैनेज किया जा सकता है। वर्चुअल मेमोरी को मैनेज करने के लिए सबसे पहले आप ओपन कर लीजिए माई पीसी, दिस पीसी, दिस पीसी में जाइए, फिर विंडोज सी ड्राइव में जाइए, अपने अपने सी ड्राइव में। मेरे कंप्यूटर में सिर्फ एक ही ड्राइव है। सी ड्राइव में आप आ गए, यहाँ से फिर आप व्यू में जाइए, व्यू में ऑप्शंस में जाइए, ऑप्शंस के बाद चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शंस यहाँ क्लिक कीजिए, फिर व्यू में जाइए और यहाँ पर चेक कर लीजिए इस शो हिडन फाइल्स फोल्डर्स एंड ड्राइव्स चेक्ड है कि नहीं, इसे चेक्ड होना चाहिए, तो ये मेरे केस में चेक्ड है। और दूसरा इसे चेक कर लीजिए हाइड प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स, तो यहाँ पर अगर आप चेक किए हैं तो ये हिडन रहेगा आपका सारा फाइल्स, अगर आप इसे अनचेक कर दें तो वो फाइल्स आपका विजिबल हो जाएगा। अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए, और यहाँ पर देखिए हमारे सामने तीन फाइल्स हैं, अगर आप ध्यान दे तो hyperfile.sys, pagefile.sys एंड swapfile.sys। तो ये जो फाइल है ना
पेज फाइल डॉट सिस, यही वो फाइल है जिसमें कंप्यूटर के सारे प्रोसेसेज को रखा जाता है। अगर कोई प्रोसेस रैम में नहीं है तो वो इसी फाइल में है। अभी जैसा पिक्चर मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर जो पिक्चर मैं आपको दिखा रहा था, ये तो ये समझिए जो डिस्क जो पार्ट है ना, एक्चुअली ये फाइल ही है, पेज फाइल डॉट सिस। तो यहीं से अगर किसी पेज की जरूरत पड़ेगी तो इसी फाइल से वो पेज रैम में लोड किया जाएगा। लेकिन मेरे केस में पेज फाइल की जरूरत काफी कम है, क्योंकि जो मेरा रैम है वो 12 GB का है, और इसलिए मेरे केस में जो पेज फाइल है वो सिर्फ 1.65 GB का है। अगर आप 4 GB का रैम अगर आपके पास है तो आप इस पेज फाइल के साइज को कुछ ज्यादा पा सकते हैं अपने कंप्यूटर में। रैम जितना ही कम होगा, ये पेज फाइल का साइज उतना ही ज्यादा कंप्यूटर अपने आप बना लेता है अपने अकॉर्डिंग कि कितना साइज का उसे जरूरत है। अगर ये पेज फाइल नहीं मौजूद हो तो क्या नुकसान हो सकता है? मान लीजिए कि आपके रैम में मेमोरी फुल हो गया और आप किसी नए प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, रैम में तो जगह है नहीं और डिस्क पर आप उसे रखेंगे नहीं क्योंकि पेजिंग आप में सपोर्ट नहीं है या फाइल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका कंप्यूटर सीधे करप्ट हो जाएगा और ब्लू स्क्रीन आ जाएगा कि जाओ खत्म। तो उन्हीं चीजों से बचने के लिए किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट पेजिंग को इनेबल किया गया होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाले को पता नहीं है ना कि मैं किस तरह के सिस्टम में इसे इंस्टॉल करने वाला हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो वो अपने हिसाब से वो पेज फाइल इनेबल करके ही आपको देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे इस पेज फाइल की जरूरत नहीं है, तो जरूरत के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही इसका साइज बढ़ाते घटाते रहता है पेज फाइल का। और जो नए विंडोज 10 के नए अपडेट्स जो आए हैं ना, वो जबरदस्त हैं और जबरदस्त तरीके से पेज फाइल को मैनेज करते हैं वो। इसके अलावा आपको दो फाइल्स और दिखाई दे रहे होंगे, ये एक है hyperfile.sys और ये एक है swapfiles.sys। यहाँ पर मैं किसी स्वेप फाइल को डिस्कस करूँ, इससे पहले मैं बता दूँ कि ये स्वेप फाइल अभी रिसेंटली विंडोज 10 में या फिर विंडोज 8 में ऐड किया गया है। पहले ये स्वेप फाइल नाम का कोई फाइल नहीं होता था विंडोज में। पेज फाइल का जो अभी मैंने काम बताया, वही काम स्वेप फाइल का लाइनक्स में होता था, मतलब पेज फाइल को लाइनक्स में स्वेप फाइल कहते थे। लेकिन रिसेंटली विंडोज ने अपने सिस्टम में एक swapfile.sys नाम का फाइल ऐड कर दिया। क्यों ऐड कर दिया? क्योंकि कुछ स्पेशल काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस होते हैं जिसको कि मेट्रो प्रोसेसेस कहा जाता है। अब ये मेट्रो प्रोसेसेस क्या होते हैं ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ स्पेशल काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस होते हैं, उनके पेजेस को सेव करने के लिए एक अलग से पेज फाइल ही समझो कि विंडोज ने बनाया है, और वहां पर मेट्रो प्रोसेसेस के पेजेस को मैनेज किया जाता है इस swapfile.sys में। अगर आप लाइनक्स में जाएंगे तो आपको पेज फाइल के बदले में स्वेप फाइल मिलेगा, और वहां पर कुछ मेट्रो प्रोसेस जैसा लाइनक्स में नहीं होता। तो विंडोज में क्या हो गया कि नॉर्मल प्रोसेस के पेजेस को सेव करने के लिए पेज फाइल डॉट सिस, मेट्रो प्रोसेसेस के पेजेस को सेव करने के लिए स्वेप फाइल डॉट सिस। फिर ये hyperfile.sys क्या है? जब आप हाइबरनेट करते हो अपने कंप्यूटर को, तो आपके कंप्यूटर का पूरा स्टेट जिस फाइल में जाकर के सेव होता है उसे कहते हैं hyperfile.sys। अगर आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाओ तो आप देखो कि ये करीब करीब 4 GB का है। तो hyperfile.sys जो है वो हाइबरनेट होते समय कंप्यूटर के स्टेट को अपने में सेव कर लेता है। और इस फाइल का एक दूसरा भी काम है, कंप्यूटर साइंस की दुनिया में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, उसे कहते हैं हाइब्रिड बूट। हाइब्रिड बूट लगभग हाइबरनेट की तरह ही होता है। हाइब्रिड बूट और हाइबरनेट में अंतर बस यही है कि हाइबरनेट में ओपन फाइल, ओपेंड विंडोज का टैब या जो भी आप काम कर रहे हैं, सब कुछ इस hyperfile.sys पर स्टोर हो जाता है। लेकिन हाइब्रिड बूट में आप जो काम कर रहे हैं उसको इग्नोर कर दिया जाता है, और यूजर के काम को छोड़ करके सिस्टम के बाकी स्टेट को इस फाइल पर सेव कर दिया जाता है। अब जब सिस्टम का बाकी स्टेट इस फाइल पर सेव्ड है तो बूट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये फायदा है hyperfile.sys का, मतलब बूटिंग टाइम काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल कर्नल लेवल से स्टार्ट नहीं करना, बस इस फाइल से रैम को रिफ्रेश कर देना है, दैट्स इट। इसीलिए मेरा कंप्यूटर भी काफी तेजी से बूट होता है। तो ये तीन पेजेस को तो आपने देख लिए। सबसे पहले मैन्युअली आपको इन पेजेस को मैनेज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप चाह रहे हो कि आप अपने पेज फाइल को डिसेबल कर दो या फिर अपने पेज फाइल को कहीं और मूव कर दो, तो कैसे करते हैं आइए जरा आप इस बात को समझ लें। इसके लिए अगेन आपको जाना होगा दिस पीसी में, कहीं पर भी राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज पर क्लिक कीजिए, फिर जाइए एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पर, फिर यहाँ पर परफॉर्मेंस सेक्शन में जाइए सेटिंग्स पर,
उसके बाद एडवांस्ड में आपको एक सेक्शन मिलेगा, उसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। अभी देखिए मेरे पास जो टोटल वर्चुअल मेमोरी है वो करीब करीब 1.5 GB है, 1.693 GB। यहाँ पर चेंज पर क्लिक कीजिए और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये चेक्ड होता है, ऑटोमेटिकली मैनेज पेजिंग फाइल साइज फॉर ऑल ड्राइव्स। यहाँ पर इसे अनचेक्ड कर दीजिए अगर आप कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं तो। फिर मेरे पास तो सिर्फ सी ड्राइव है, आप और किसी ड्राइव में अगर अपने पेज फाइल को मूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर वो ड्राइव दिख जाएगा और आप उस ड्राइव पर क्लिक करके वहाँ पर उस पेज को मूव कर सकते हैं। फिर आप अपना कस्टम साइज भी डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से कि आपके पेज फाइल का साइज कितना होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर सिस्टम मैनेज साइज रखा है कि सिस्टम अपने आप देख ले भाई कि जितना उसे फाइल की जरूरत हो उतना वो अपना बना ले, नहीं तो रहने दे। फिर अगर आप यहाँ पर नो पेजिंग फाइल पर चेक कर देते हैं और ओके कर देते हैं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। नो पेजिंग फाइल पर मैंने यहाँ पर चेक कर दिया, ओके कीजिए। द चेंजेज यू हैव मेड रिक्वायर्स यू टू री स्टार्ट योर कंप्यूटर बिफोर दे कैन टेक इफेक्ट। तो शायद ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा कि इफेक्ट क्या आ रहा है, लेकिन इफेक्ट यही आएगा कि वहां पर जो पेज फाइल आपको दिखाई दे रहा था, ये पेज फाइल यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो अभी मैं इसे कट कर देता हूँ, ओके नहीं करता। और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो सिस्टम मैनेज फाइल सब कुछ वैसा ही है, ऑटोमेटिकली मैं कर देता हूँ कि भाई खुद ही सेलेक्ट कर लो तुम कि क्या करना है नहीं करना है, मैं चिंता नहीं करूँगा। ठीक है, ओके अप्लाई ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा और अब जान गए होंगे कि कब आपको वर्चुअल मेमोरी को इनेबल करना चाहिए, कब इनेबल नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास रैम बहुत ज्यादा है और आप पूरे रैम का कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, आप वर्चुअल मेमोरी को डिसेबल कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास रैम कम है तो वर्चुअल मेमोरी को इनेबल रहने दीजिए, और अगर आपको पता नहीं है कि रैम कम है या ज्यादा है तब भी वर्चुअल मेमोरी को इनेबल रहने दीजिए, कंप्यूटर पर छोड़ दीजिए, वो उसे खुद ही अच्छे से मैनेज कर लेगा अगर आपको ज्यादा आपको पता नहीं है तो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप कंप्यूटर से बेहतर तरीके से चीजों को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं तभी आप मैनुअली वर्चुअल मेमोरी को छेड़िए, नहीं तो आप रहने दीजिए उसे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए IT सिंप्लीफाइड इन हिंदी। धन्यवाद।